Hi everyone, welcome to Study IAS. Very good morning to all of you guys. Good morning to everyone. February 21 है आज और लेट्स सी कि व्हाट कम्स इन द टुडेज न्यूज़पेपर. आज के पेपर में कौन सी ऐसी चीज है जो अपने यूपीएससी पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. वी आर डूइंग द हिंदू एनालिसिस एंड द एडिटोरियल हम लोग यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं. सो क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी गाइज अंकिता जिंदल, जो कि रेगुलरली आपकी सेम टाइमिंग पे क्लास होती है 9 AM. तो आप लोग हिंदू एनालिसिस और एडिटोरियल के लिए सुबह 9 बजे हमसे जरूर जुड़े. इसके साथ फ्लैट 20% ऑफ आपको मिलता है अगर आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो. गाइज अगर आप लोग प्लस का कॉम्बो लेते हैं तो यू विल गॉट द 4500 ऑफ आपको मिलता है. एंड अगर आप लोग प्लस का जीएस लेते हो देन यू विल गेट द 2500 का ऑफ आपको मिलता है. लेकिन रिमेंबर ये आपको तभी मिलेगा व्हेन यू यूज अवर कोड दैट इज अ स्टडी आईएएस. आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे सिर्फ ये आपको तभी कोड ऑफ जो है वो मिलेगा. इसके साथ आप लोग अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. 2 ही दिन बाकी रह गए हैं 23 फरवरी तक. ये ऑफर आपका वैलिड रहेगा. 50% ऑफ आपको मिलता है एंड इनवाइट कोड रहेगा स्टडी आईएएस. लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा सो यू कैन चेक दैट फ्रॉम. हाय विशाल शानू गुड मॉर्निंग. वॉइस इज परफेक्ट. 19 फरवरी से कुछ सुपर बैच आप लोगों की प्रिपरेशन को एक अच्छी बूस्ट देने के लिए लॉन्च किए गए हैं तो आप इन्हें जरूर चेक करें. इन बैचेस में मिशन 22 और मिशन 23 को फोकस किया गया है. एंड लैंग्वेज इज योर गाइज. ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहो लैंग्वेज वो रहेगी. लैंग्वेज का मतलब ही वो होता है जो समझ में आ जाए, है ना, वही होता है ना. फेब्रवरी में कुछ ऑप्शन लॉन्च हो रहे हैं जैसे कि आप देखेंगे पबेड है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, लो है, जूलॉजी है. जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लिए जाते हैं बाय द एस्पिरेंट वे सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लॉन्च होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं. टेस्ट सीरीज बूस्टर सीरीज चल रही है और PYQ स्पेशल हर संडे कॉम्बेट होता है मॉर्निंग 11 AM. यहाँ पे आप देखोगे फ्री टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलती है तो यू मस्ट ज्वाइन. 15 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपकी जो स्पीड है उसको भी यहाँ पे मेजर किया जा रहा है एंड हिंदी इंग्लिश में रहेगा. हाय विकास, हाउ आर यू. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस. एक बार शेयर हो जाए तो विशाल एक बार शेयर कर दो. जो आज की पहली न्यूज है वो नाइट पोलिनेटर्स के बारे में बात करती है. हाउ द मोट हेल्प द हिमालयस, कि जो पोलिनेटर्स है किस तरीके से वो हिमालयस को या फिर उन सबको हेल्प किस तरीके से कर रहे हैं वो हम यहाँ पे बात करेंगे. These insects have so far received less scientific attention than bees and butterfly. Bees और जो butterflies होती है उनको बहुत ज्यादा scientific attention मिलती है and they are also a pollinator. लेकिन एक study आई थी कुछ दिन पहले कि जो pollinators है वो हमारी प्रजाति है pollinators की वो लुप्त होती जा रही है, यानी कि endangered होती जा रही है. ठीक है, उसमें खतरा होता जा रहा है. अब हमें ये देखना है कि कैसे जो पॉलिनेटर अगर लुप्त हो गए तो क्या, मतलब क्या फर्क पड़ेगा हमारे ऊपर. ठीक है, तो पॉलिनेटर्स कैसे हेल्प करते हैं वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे. ना ही सिर्फ बीज और बटरफ्लाईज पॉलिनेटिंग करते हैं, इवन जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि इमेजेस में है वो भी पॉलिनेटिंग करते हैं. मोथ आर वाइटल इन द सेंस इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए हिमालयन इकोसिस्टम में. जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है वहां पर स्टडी ने बताया कि 91 स्पीसीज आपको मोट की मिलेंगी जो कि 21 प्लांट फैमिलीज पर लाए करते हैं सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, जो कि पोलिनेटिंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस में. यहाँ पे आपको बहुत बड़ी तादाद मिलेगी पोलिनेशन से. डायउर्नल पोलिनेटर्स मिलेंगे बीज और जो बटरफ्लाईज होती हैं एंड नॉक्टर्नल मतलब आप में से कौन है नॉक्टर्नल, रात को एक्टिव रहने वाले, वे पॉलिनेटर भी मिलेंगे. देखो इनके पास इनकी खुद की लाइट होती है, इनको रात से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आगे लाइट निकली हुई है. सो साइंटिफिक अटेंशन जो है वो बीज और बटरफ्लाईज को ज्यादा मिलती है, इनको बेचारों को नहीं मिलती. तो फिलहाल अभी स्टडी ने ये कहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर आपको एक तकरीबन 91 स्पीसीज मिल जाएंगी मोट की जो कि पॉलिनेशन करती है. प्रेजेंट स्टडी में बताया गया कि 65% जो मोट हैं कैरिज सफिशिएंट क्वांटिटीज ऑफ पॉलिन ग्रेन टू बी कंसीडर एज अ पोटेंशियल पॉलिनेटर. वही इतना है करती है वो भी कि उनको सफिशिएंट माना जा सकता है.
इसके साथ अभी जो एक ये देखो यहाँ पे काय की ओमीट्रिडी और एरिबिडी टर्न आउट टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड फैमिलीज हैं फॉर पोलन ट्रांसपोर्टेशन के लिए. वी आर ऑल्सो फाउंड फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन ऑफ मोड विद द बेटुलेसे. इन सबके साथ भी आप लोग देख रहे हो. और इस सब के बारे में ZSI बताते हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो सब इसके बारे में बताता है. यहाँ पे एक स्पीसीज है जिसका नाम है एकिया जनाता जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स की मतलब पेस्ट है. उसको एक पोटेंशियल पॉलिनेटर यहाँ पे माना गया है, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा. कुछ दिन पहले न्यूज जो आई थी ना कि पॉलिनेटर्स जो है वो खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, उसका कारण था क्लाइमेट चेंज है ना. एनवायरमेंट का उस पर काफी ज्यादा असर हो रहा था. जी गुड मॉर्निंग वंस. यूपीएससी विराज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भोके, कुलदीप गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तो अभी हमें ये देखना है फाइंडिंग स्टडी की क्या है कि एक तो जो डायर्नल पॉलिनेटर्स है और रोल ऑफ नॉक्टर्नल पॉलिनेटर, दोनों का रोल हमें देखना है. मौत की एक स्पीसीज है एकिया जनाता, वो उसकी पोटेंशियल पॉलिनेटर उसको समझा गया है. ये इंडिकेट करती है कि मोट कैन प्रोवाइड नेट बेनिफिट एज अ पॉलिनेटर इवन वेन एक्टिंग एज अ लार्वर हर्बिवोर ऑफ द सेम स्पीसीज. यानी कि ये जो एकिया है जनाता, ये जो स्पीसीज है ना मोट की, ये जो प्रजाति है, वैरायटी है, ये आपको पॉलिनेटर का जो जितना बेनिफिट मिलता है ना उतना ये देती है. तो ये आपकी सफिशियंट कह सकेंगे आप. पॉलिनेशन होता क्या है कि पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना होता है मेल फ्लावर से लेके एनिमल, जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल स्टिग्मा होता है, उस तक उसको ट्रांसफर करना होता है. गोल क्या होता है, एवरी लिविंग ऑर्गेनाइज्म इंक्लूडिंग प्लांट हो गए, इज टू क्रिएट एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट करना होता है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन के लिए. सीड कैन ओनली बी प्रोड्यूस जब अगर पॉलन ट्रांसफर होंगी फ्रॉम वन टू द अनदर, फ्रॉम फ्लावर टू द सेम स्पीसीज. अच्छा ये याद रखना, जो फ्लावर है वो सेम ही स्पीसीज का होना चाहिए, ठीक है, तो अलग स्पीसीज का नहीं होना चाहिए. तो फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज को ही ट्रांसफर करना, तो ही उसको ही आप लोग पॉलन कहेंगे. मोट क्या है, ये इंसेक्ट की एक टाइप को उसको कहते हैं, ये बटरफ्लाई नहीं होते, इंसेक्ट होते हैं. मोट स्पीसीज जो होती है वो नॉक्टर्नल होती है, जो रात को एक्टिव रहते हैं उसको बोलते हो. बट देर आर ऑल्सो क्रेपस्कुलर और डायर्नल, डायर्नल इन द सेंस बीज ऑफ बटरफ्लाइज, ये भी होते हैं जो कि आपके पॉलिनेटर्स होते हैं. पॉलिनेशन हमारे लिए जरूरी है, अगर ये नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं बनेंगे, फ्लावर्स नहीं आएंगे, सो भाई फिर तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी. गुड मॉर्निंग प्रीति चिराग, खुशी गुड मॉर्निंग, उठायु गुड मॉर्निंग चिराग, ओके हाय शिवानिया, ठीक है जी गुड मॉर्निंग. इसके साथ ये जो स्वास्तिक वाला, कल हमने आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में देखा था ना, वो ये रहा. बिहार के सीएम कीप मम ऑन द स्वास्तिक इशू, स्वास्तिक का मुद्दा वहां पे उठ रहा था तो बिहार के सीएम चुप हो गए, ठीक है. तो देखो क्या चीज है ये, रिफ्यूज टू कमेंट, जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है स्वास्तिक सिंबल पे, जो टॉप ऑफ द पिल्लर बिहार की असेंबली का मेन गेट है ना, उसके टॉप पे एक स्वास्तिक का सिंबल बनाया गया. हालांकि अगर हम देखें वो हमारे हिंदू रिलीजन का एक वो है, सिग्निफिकेंस है या फिर एक पहचान, आइडेंटिफिकेशन है ना, लेकिन आप असेंबली पे अगर आप स्वास्तिक बनाते हो तो भाई यू आर नॉट सेक्यूलर, आप हिंदू को फेवर कर रहे हो, सीधी सी बात है, ठीक है. तो आप किसी भी धर्म का सिंबल कहीं पर भी आप लोग नहीं बना सकते. अगर आप बनाते हो तो जितने धर्म है इंडिया के अंदर सबके धर्म के सिंबल्स आप बनाए, अदरवाइज एक का नहीं बनाएंगे. स्वास्तिक सिंबल जो बनाया गया है दैट इज बीइंग बिल्ट इन फ्रंट ऑफ मेन गेट ऑफ असेंबली टू कमेमोरेट द सेंटनरी सेलिब्रेशन ऑफ द बिहार विधानसभा बिल्डिंग, तो वही गलत हो जाएगा. यहाँ पे जो स्पीकर होते हैं उनकी अथॉरिटी होती है और जिम्मेवारी होती है कि भाई उन्हें बताना होगा वट इट विल ऑल बी, कि क्यों बनाया गया स्वास्तिक का यहाँ पे साइन, ठीक है, उनको इससे जवाब जो है वो देना होगा. निर्देश गवर्नमेंट टू इंस्क्राइब द स्वास्तिक मार्क ऑन द प्रपोज सेंटनरी पिलर इन द प्रीमाइसेस ऑफ असेंबली इन प्लेस ऑफ द अशोक चक्र. यहाँ पे इसे पहले अशोक चक्र बना हुआ था, ऐसे करके चक्र बना हुआ था, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल सिंबल है, उसकी जगह हटा के हम लोगों ने हिंदू सिंबल लगा दिया है ना. वी आर पुटिंग द रिलीजन सिंबल. पहली बात अपोजिशन कॉल की भाई तुम लोग तो हिस्ट्री को ही रिमूव कर रहे हो. एक जगह से जो सुभाष चंद्र की बोस नेशन में लगाई गई और स्टेट के अंदर आप अशोक चक्र मिटा के आप स्वास्तिक का इश्यू लगाते हो, है ना.
तो दोनों कारण हैं, दोनों वजह हैं जिसके ऊपर यहाँ पे मुद्दे उठ रहे हैं। द यूज ऑफ द स्वास्तिक इन प्लेस ऑफ अशोक चक्र ऑन द सेंटनरी इज अगेंस्ट द सिक्योलर। वही बात है, सिक्योलर के खिलाफ हो जाएगी। वेन यू आर टॉकिंग दैट वी आर अ सिक्योलर कंट्री, और ऊपर से आप लोग धर्म का पहचान लगा रहे हो अपनी असेंबली पे, कैसे बात बनेगा? बिहार विधानसभा को 100 ईयर्स हो गए जी, क्यों? अरे कुलदीप, अरे भाई नहीं, ऐसे मत सोचा करो आप। जस्ट थिंक लाइक अ यूपीएससी एस्पिरेंट, नॉट अ पर्सनल वन, ठीक है? तो वो आप लोग, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी अगर आप लोग पर्सनल आइडियोलॉजी को सामने रखेंगे। तो वेदर यू फॉलो एनी रिलीजन और सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू मस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? यू मस्ट बी लाइक ऑफ अ बैलेंस्ड वन, ठीक है? गुड मॉर्निंग रंजन, गुड मॉर्निंग शिकाती, हाउ आर यू? इसके साथ यहाँ पे झारखंड की जो सरकार है, डिसीजन टू विड्रॉ द भोजपुरी एंड द मारवाही फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द धनबाद एंड बुखारो डिस्ट्रिक्ट वाज सरप्राइजिंग। इसके साथ बिहार के जो सीएम है ना, उन्होंने रिकॉल कराया कि जो झारखंड की सरकार है उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया क्या भोजपुरी और मारवाही, जो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें से दो लैंग्वेज को विड्रॉ उन लोगों ने कर लिया। और ये भी बहुत अचंभे वाली बात है, जो गवर्नमेंट है झारखंड की विड्रॉ किया आफ्टर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, काफी बड़े लेवल का हो रहा था। तो भाई स्वास्तिक लगाना और हमारी हिस्ट्री को भूलना दोनों ही प्रोटेस्ट के का उसमें है कि आप लोग स्वास्तिक यूज इज अगेंस्ट ऑफ सिक्योलर कंट्री, अगेंस्ट ऑफ सिक्योलर कंट्री। सिक्योलर से मतलब रहता है भाई धर्म निरपेक्ष, आप किसी भी धर्म को फेवर नहीं करोगे। एज अ गवर्नमेंट फॉर यू ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, फॉर यू ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ये हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी हैव अ डाइवर्सिटी इन कंट्री, वी हैव अ डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन इन अवर नेशन। इसलिए हम किसी भी धर्म को फेवर नहीं कर सकते, ठीक है? अगर प्राइम मिनिस्टर हिंदू को फेवर करते हैं ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है और उसमें किसी धर्म को प्रचार किया जाता है, कर लो, अलाउड है, वो चीज अलाउड है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट अफिलिएटेड नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्टेड नहीं होना चाहिए, सरकार उसमें अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं रखेगी। तो वो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बनाई गई है। फाइन, गुड मॉर्निंग निशिता एंड अनिश। हाँ जी बिल्कुल, जी। इसके साथ कल साइंस वाला पोर्शन था ना, तो गोइंग बियॉन्ड डार्विन क्या है ये? देखो, इन अ पॉपुलेशन ऑफ कोलोराडो ब्लू कोलम्बिन्स, यहाँ पे ना ब्लू फ्लावर है, देखो नीलगिरी के जैसे फ्लावर नहीं लग रहे हैं, ब्लू कोलम्बिन्स रिसर्चर ने ऑब्जर्व किया कि फ्लावर्स लॉस सम ऑफ देयर पेटल्स, की फ्लावर्स जो है वो अपनी पेटल्स खो रहे हैं, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्टर स्पोज ड्यू टू अ स्पेसिफिक म्यूटेशन। स्टडी ने इस चीज के बारे में बताया, ये जो चेंज है वो इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है, दैट हैपन इन जंप एंड नॉट इन ग्रेजुअल स्टेप एज अ डार्विन एनविसेज, ठीक है? इसके साथ ब्राइट फ्लाइज दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे ना स्टडी में जो फ्रूट फ्लाइज होती है और जो मैमल्स होते हैं उनके कुछ ना कुछ सेम एबिलिटी है, सेम फीचर्स है, इसीलिए ये भी ब्राइट फ्लाइज भी सामने आई थी। हाँ, अलाउड नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। ट्रेड पैक टू बूस्ट ज्वेलरी एक्सपोर्ट टू यूएई, हम लोगों ने देखा था इंडिया और यूएई जब सिग्नेचर करेंगे दोनों की एफटीए पर, एफटीए जो सीईपीए वाला है उसपे जब वो साइन करेंगे तो हमारी इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी एक्सपोर्ट के लिए। यूएई तो मिलेगा ही मिलेगा, इवन मिडल ईस्ट जो कंट्रियां हैं वहां पर भी हम लोग पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज, हम लोग ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, है ना? ज्वेलरी वी कैन एक्सपोर्ट देयर, यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी ये बात कहते हैं। अगर ज्वेलरी को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिल गया तो भाई मजे ही मजे हो जाएंगे हमारे, टैरिफ नहीं लगेगा गोल्ड के इम्पोर्ट पे, है ना? इसके साथ डोमेस्टिक ज्वेलरी सेक्टर सेट टू ह्यूज एक्सपोर्ट बूस्ट आपको यूएई के अंदर मिलेगा। और अगर यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सेस मार्केट को मिलता है तो हमारे लिए बड़ी एकदम मजे वाली बात हो जाएगी, और इंडिया भी कंसेशन देगा अगर आप लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हो यूएई से, क्योंकि वहां पे गोल्ड बहुत अच्छा मिलता है। हाँ जी शिवान्या,
वहां पे गोल्ड बहुत ही सस्ता, बहुत सस्ता तो नहीं, मतलब बहुत बड़ी तादाद में वैसे मिलता है वहां पे, इतनी कोई वो बात नहीं। आप गोल्ड पहने हुए हो तो ठीक है, कोई चुरा के नहीं भागेगा, पहन सकते हो। तो अगर इंडिया में कोई इंपोर्ट करता है गोल्ड फ्रॉम द यूएई, देन इंडिया भी उसमें ईज करेगा, कंसेशंस देगा, ठीक है। तो यूएई भी हमें बदले में देगा, तो हमारे गोल्ड की एक्सपोर्ट अच्छी खासी हो जाएगी। वी आर अ मेजर इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, इंडिया इंपोर्ट करता है 800 टन ऑफ गोल्ड एवरी ईयर, सोच के देखो 800 टन। एंड इन दिस एग्रीमेंट वी हैव गिवन अ यूएई एटीआरक्यू पर, अगर हम लोग टैरिफ रेट कोटा पर अगर हम लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं 200 टन, जहाँ पे टैरिफ जो है वो 1% से भी कम रहेगा। पहले ज्यादा होता था, अब 1% से भी कम रहेगा 200 टन के ऊपर, तो वो दैट विल गिव बिगेस्ट गेन फॉर इंडिया, एंड वी गेट जीरो ड्यूटी एक्सेस भी हमें यूएई के अंदर मिलेगी। फाइन, चलिए बस इतना था इसके अंदर कि भाई जो बिगेस्ट जीरो ड्यूटी एक्सेस से आपको एक बहुत बड़ी मार्केट और इकोनॉमिक रिकवरी में ये चीज जो है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग किया था 100 किसान ड्रोन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री फॉर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड एंड अदर फार्म मटेरियल्स। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को छिड़कने के लिए या फिर दूसरे फार्म मटेरियल्स के लिए यहाँ पे किसान ड्रोन जो है वो किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किए गए थे। तो भाई ड्रोन का आप एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करते हो, ये वाला सेक्शन आप एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी उस एरिया में इस्तेमाल कर सकते हो, इस न्यूज को उसमें अपडेट कर सकते हो। या फिर ड्रोन्स फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर की तरफ जो है उसको बंद कर दिया गया था, दे ऑल क्लोज्ड, उसको बंद कर दिया गया था, बट एग्रीकल्चर में दे आर यूजिंग। इसके साथ आप याद करो अरावली में भी वी आर ऑल्सो यूजिंग द ड्रोन, है ना। बट ड्रोन के केस में एक चैलेंजिंग ये रहेगा कि भाई पर्सनल लेवल पर भी कोई ले सके, उसको इतना चीप बनाना चाहिए सो दैट कि किसान उस चीज को ले सके, एंड पेस्टिसाइड से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी आपको समझनी चाहिए, दैट्स ऑल्सो बिग चैलेंज। ड्रोन टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है? ड्रोन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्टिविटी अच्छी करेगा, एफिशिएंसी और हायर पोटेंशियल इससे मिलेगा आपको। एग्रीकल्चर ड्रोन एफिशिएंटली स्टडी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि वेदर, सोइल कंडीशंस कैसी हैं, टेम्परेचर, और फार्मर जो है वो बहुत अच्छी चॉइस यहाँ पे रख सकेंगे, माइंड जो है वो अच्छा लगा सकेंगे। द गेन डाटा हेल्प रेगुलेट क्रॉप हेल्थ, क्रॉप ट्रीटमेंट, क्रॉप स्काउटिंग, ये सब चीजें आपको सोयल एनालिसिस इन सब चीजों से पता चलता रहेगा। क्रॉप डैमेज हुई है तो भी आपको पता चलता रहेगा वाया द ड्रोन। ड्रोन से आपको क्रॉप यील्ड और मिनिमाइज होगा और एक्सपेंसेस भी आपका काफी कम देखने को मिलेगा। हाँ जी ठीक है, तो ड्रोन एग्रीकल्चर में एक तो जैसे लोकस्ट अटैक के दौरान ये इस्तेमाल हो सकेगा, आप ड्रोन इस्तेमाल करो जब खेतों के अंदर लोकस्ट आई हुई है तो आप ना जाए ना, तो ड्रोन आप भेज दें तो वो जाके आपके काम कर आएगा इंसेक्टिसाइड के उसके लिए। एक बार ना एक वो आया था, शो आया था, और शो के अंदर एक स्टार्टअप का शो था, अभी आपने देखा भी होगा मे भी, तो उसके अंदर एक व्यक्ति एक मशीन लेकर आया था, और वो मशीन जब लेकर आया तो वो मशीन कुछ ऐसे थी, एक साइकिल टाइप में थी, और उस साइकिल के यहाँ पे पेस्टिसाइड है, क्योंकि फार्मर से वो पेस्टिसाइड जितना दूरी पर रह के उसका छिड़काव होगा उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे वो यहाँ पे छिड़के जाते हैं ना तो सीधा वो फार्मर्स भी सांस लेते दौरान उनको इनहेल कर लेता है, जो कि हमारे सिस्टम के लिए बिल्कुल सही नहीं है, वो बहुत बीमारियां जनरेट करता है। इसीलिए क्या था कि साइकिल लेके आया, क्योंकि फार्मर यहाँ है और पेस्टिसाइड इतनी दूर से छिड़के जा रहे हैं तो बहुत रेयर चांसेस है कि वो उसको इनहेल कर रहा है। अगर हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर देंगे तो ये तो पॉसिबिलिटी रही नहीं है ना, बीमारियां तो बची गई हमारी, तो ये अच्छी हो जाएगी। और भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूज ड्रोन करने का इस्तेमाल फोकस किया है, मैपिंग सर्वे में काम आएगा, क्रॉप डस्टिंग और स्प्रेइंग में काम आएगा, इरीगेशन मॉनिटरिंग में ड्रोन बता देगा आपको कब पानी डालना है कब नहीं वगैरह, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग और सर्वेलांस हो सकेगा, और फील्ड सोयल एनालिसिस भी आप लोग इजीली यहाँ पे कर सकोगे शार्क टैंक में। हाँ जी वही, नहीं ड्रोन नेशनल सिक्योरिटी के लिए मना कर दिए गए थे, क्योंकि ना पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की तरफ ना पाकिस्तान के कई सारे ड्रोन्स थे उधर, तो हम लोगों ने उस चीज को मना कर दिया था।
अरे वाह शानू जी, वेरी गुड। चैलेंजेस क्या है? एक तो थोड़ा सा स्किल आपको पता होनी चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिलहाल अभी कॉस्टली भी है तो भी थोड़ा सा वो है, हाई कॉस्ट है, नेशनल लोज के बारे में भी, एंड कनेक्टिविटी, वेदर डिपेंडेंट और मिसयूज, ये सब चीजें भी अभी आपको पता होनी चाहिए। अगर वेदर अच्छा नहीं है तो किसान जा सकते खेतों में, ड्रोन नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्लास न्यूज आती है, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, डेमोक्रेसी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो हर जगह आपको रोड शो और सारे प्राइम ये जो पॉलिटिकल बंदे हैं ये आपको जगह जगह मिल जाते हैं। इनको आप अभी देख सकते हो, फिर 5 साल के लिए प्रजाति लुप्त हो जाती है, फिर नहीं दिखेंगे ये। ठीक है, अभी तो आप इन्हें कुछ कहेंगे तो कर भी देंगे, फिर तो मतलब ही नहीं कुछ होगा। ठीक है, तो फिलहाल पंजाब के अंदर 65% पोलिंग हुई है, यूपी के अंदर 60% हुई है थर्ड फेज में, दैट्स गुड साइन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज अ ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनोमस इन द सेंस स्वायत्त है, किसी की भी बंधन इसमें नहीं होता, वो खुद से डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट यू कैन से। इसके साथ यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस के लिए ये सूटेबल है और उसके लिए सारे काम धाम ये करती है। फाइन, बॉडी के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल, इनके किसी के भी, या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ये इनके अगर इलेक्शंस होने हो तो हु विल टेक ECI, यहाँ पर जो है वो लेंगे। ठीक है, पार्ट जो हमारा 15 है वो इसके के बारे में डील करता है कि कैसे इलेक्शन होने चाहिए, किन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। आर्टिकल 324 से लेके 329 सारा जो मामला है वो इस सब के बारे में डील करता है। इसके अगर हम लोग स्ट्रक्चर को देख लें एक बार, तो ओरिजिनली ओरिजिनली ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हमेशा एक सवाल पूछ ही रहा है या पीसीएस पूछ लेते हैं कि ओरिजिनली ECI वाज अ मल्टी मेंबर बॉडी, ECI वाज अ मल्टी मेंबर बॉडी। रिसेंटली मैंने एक पेपर देखा था तो उसमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि क्वेश्चन ये था, ECI इज चेयर्ड बाय वन मेंबर ओनली, ऐसा कुछ लिखा था उसमें कि भाई ECI के अंदर एक ही चेयरमैन होता है ना, गलत होता है। ठीक है, मल्टी मेंबर बॉडी है फिलहाल, ओनली शुरुआत के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर थे, बट आफ्टर ये अब मल्टी मेंबर बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर में 1:2 का रेशियो रहता है, एंड स्टेट लेवल अगर, हाँ एक और चीज, ECI अगर चाहे तो अपने मेंबर्स को बढ़ा सकता है, मतलब 1:2 से 1:5 वगैरह ऐसा कर सकता है अगर उनको जरूरत है तो, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं बंदे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। इनका जो टेन्योर 6 और 65 होता है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान में रखना। सैलरी पर्क्स वही मिलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलेंगी, CJI को मिलेंगी, वो सब मिलेंगी इनको। सेम स्टेटस रहता है जो सुप्रीम कोर्ट के CJI और जज का रहता है, वैसे ही इनका रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप रिमूव भी कर सकते हो उसी प्रोसेस से जैसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज को करते हो, ऑन द टू कैटेगरीज मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सिर्फ दो नाम लेके आप इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर क्या है रिमूवल करने का? जजेस जो हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, CEC, कंट्रोलर, ऑडिटर, CAG, इन सबको ऑफिस से आप हटा सकते हो अगर पार्लियामेंट में कोई मोशन अडॉप्ट होता है तो। और कौन सा मोशन किस नाम पे होगा? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मैंने बोला था ना टू वर्ड्स, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर उनका सामने आता है तो ही आपने रिमूव कर सकते हो। प्लीज इंश्योर कि जो रिमूवल है उसके अंदर स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी। याद ऐसे कर लीजिए कि भाई जो ECI है या CJ है, जो भी है, वो एक बहुत बड़ी पहुंच है, तो उनके लिए रिमूवल के लिए 2/3 मेंबर्स तो चाहिएंगे, स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी, 50% से ज्यादा स्ट्रेंथ की वोटिंग चाहिएगी। इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल है, संविधान में शब्द का इस्तेमाल नहीं है। इम्पीचमेंट ओनली यूज फॉर द प्रेसिडेंट, बाकी किसी के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं है और कहीं पर भी ये इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो क्योंकि इलेक्शन से मे बी ECI का क्वेश्चन UPSC, मेन्स, प्रीलिम्स, PCS कहीं पर भी ये चीज आ जाए। ठीक
ठीक है, गुड मॉर्निंग मानसी, हाउ आर यू? हाँ जी, ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं ट्यूलिप। ट्यूलिप एट शांति पार्क ए बिग ड्रो फॉर विजिट विद विजिटर्स। यहाँ पे एक जगह है, आई थिंक दिल्ली में ही होगी ये जगह, क्योंकि अभी फुल ब्लूम का टाइमिंग आ रही है ना, अभी बसंत आने वाली है ना, अब अप्रैल के टाइम पे आते हैं ना, मार्च अप्रैल में। जो ट्यूलिप फ्लावर है ना, वो अच्छा खासा ब्लूम कर गया। एट द विंटर फेड एंड स्प्रिंग विंक्स इन, जैसे विंटर खत्म होती है और स्प्रिंग आता है, तो ग्रीनरी रनिंग अलोंग द साइड ऑफ सिटी शांति पार्क हैज बिकम ए साइन ऑफ श्योर फॉर द कम्यूटर्स। मतलब ये चीज है कि जब विंटर जाती है और स्प्रिंग आता है, तो आपको हर जगह ग्रीनरी दिखाई देती है, आप लोग ग्रीन लवर हो जाते हो, है ना। मेरे को ये चीज इसलिए करानी थी क्योंकि हम लोग ट्यूलिप गार्डन के बारे में बात करेंगे। गाइस हिट द लाइक बटन अगर सबको न्यूज क्लियर है तो। हाँ जी कश्मीर नहीं, ये जो शांति पार्क है ना, ये दिल्ली में है, और वो दूसरा है जो भी आगे करेंगे, कोई जबरवन रेंज है वो, जो कश्मीर में है, वही मैं रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि वो करंट अफेयर है ना, इसीलिए। ट्यूलिप गार्डन जो है वो जबरवन रेंज की फूट हिल्स में है। एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है ये, जो कि करीबन 30 हेक्टेयर के एरिया के अंदर फैला हुआ है। यहाँ पे ट्यूलिप की ही 64 या उससे भी ज्यादा वेराइटीज आपको मिलेंगी। इससे क्या होगा, ये जो चीज है वो 2007 में स्टार्ट हुई थी, एक तो जो हमारा फ्लोरी कल्चर है वो एक्सपैंड करेगा, दूसरा उस ट्यूलिप को देखने के लिए जो टूरिज्म है वो भी अच्छी तादाद में आएगा, है ना। तो फिर भाई टूरिज्म से भी कश्मीर को काफी ज्यादा हेल्प यहाँ पे मिल जाएगा। इस सबके साथ पता नहीं क्यों, जबरवन रेंज की बात करें, हाँ देखो जबरवन रेंज क्या है, एक शॉर्ट सब माउंटेन रेंज है, पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में है, कश्मीर वैली के सेंट्रल एरिया में आपको मिल जाएंगे। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है जबरवन रेंज की, दैट इज अ महादेव पीक। कौन सी है, महादेव पीक है ये, जिसकी हाइट 13,013 मीटर फीट कुछ है। एंड डिस्टेंट बैकग्राउंड ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन वॉल टेम्पल, यहाँ पे शंकराचार्य का मंदिर भी है जो कि इसके साइड में बना हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो रेंज के बीच में आपको वैलीज के बीच में मिल जाएगा। ऑन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ सेंट्रल पार्ट हेयर आर 3 मुगल गार्डन आपको मिलेंगे, जो एम्पायर शाहजहां के द्वारा बनाए गए थे। 3 मुगल गार्डन मिल जाएंगे, एक तो चश्मा शाही है, निशात बाग है, एक शालीमार गार्डन है। शालीमार बाग तो बड़ा फेमस है, शालीमार बाग किस चीज के लिए ध्यान नहीं आ रहा, एकदम से टंग पे नहीं आ रहा, शालीमार गार्डन ठीक है, और निशात बाग और चश्मा शाही, तीन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वाइल्ड लाइफ जबरवन में काफी अच्छी मिलती है, रिच वाइल्ड लाइफ है। डाचीगम नेशनल पार्क भी है वहां पे। इसके साथ डाचीगम जो नेशनल पार्क है वो लास्ट वाइबल पॉपुलेशन है कश्मीर स्टैग की, कश्मीर स्टैग जिसको आप लोग हंगुल भी बोलते हो, उसका लास्ट वायबल पॉपुलेशन आपको अच्छी खासी वहां पे मिलेगी। और जो ब्लैक बियर है उसकी तादाद भी आपको यहाँ पे एशिया में अच्छी खासी आपको डाचीगम नेशनल पार्क में मिल जाएगी, इसीलिए सारा एरिया जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट आप लोगों के लिए बेहतर न्यूज़। अगर आप लोग यूपीएससी पीडिया के बारे में नहीं जानते तो अभी जान लो, यूपीएससी पीडिया एक ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। डेली आंसर राइटिंग आपको उसके अंदर करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस वहां से मिलते हैं, करंट अफेयर एफिलिएटेड क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। 50 सीट अवेलेबल है, क्योंकि वी आर बिलीविंग दैट लेस स्टूडेंट विल गिव द मोर रिजल्ट। 2 क्वेश्चंस आपको पर डे मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, एक्सपर्ट्स के आंसर्स आपको मिलेंगे, सो यू कैन मैच एज वेल। आप दूसरों के आंसर्स पे कमेंट कर सकोगे, तो कोविड के दौरान या घर बैठे भी आप लोग कोचिंग वाली फीलिंग भी जो है वो आप लोग ले सकोगे। एंड फॉर अ गुड डिस्काउंट यू जस्ट यूज IS50 कोड एंड यू गेट द कोर्स ओनली जस्ट ₹1,000। यहाँ पे आपको डायरेक्ट 50% ऑफ मिलता है। आपका फेस ऐसे होता है, बट आफ्टर द ज्वाइनिंग कोर्स यू विल बी लाइक दिस।
अरे दिल्ली में नहीं, दैट इज इन कश्मीर। इसके बाद साइंस एंड टेक बहुत टेंशन होती है, बट वी हैव अ सॉल्यूशन। अगर आप लोग अमन सर की बुक साइंस एंड टेक की पढ़ते हो, फ्लिपकार्ट और अमेजन पे से परचेज करके, तो ये बुक आपको बहुत ही ईज कर देगी साइंस एंड टेक, एंड देन यू विल कॉल इट्स कॉल्ड साइंस। ठीक है, चलिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द डे। गवर्नर है ना, अलाउ रिमूवल ऑफ गवर्नर। केरला की सरकार, केरला की जो सरकार है वहां पे, जो सीपीआई है, वो ये कह रहे हैं कि भाई जब गवर्नर हमारे राज्य में रहते हैं है ना, तो हमें ही ये अधिकार होना चाहिए कि हम उन्हें इलेक्ट करें, वो हम उनका चयन करें, और वाया द इलेक्शंस, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से हम उनका चुनाव करें, तब वो हमारे राज्य के अंदर रहें और तभी उन्हें राजभवन दिया जाए। ही इज लुक लाइक अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन अवर स्टेट, तो वो चीज हमारे लिए ठीक इतनी नहीं है। गवर्नर का इशू काफी दिनों से सामने आ रहा है, तो क्वेश्चन तो बनता ही है। देखो, कम्युनिस्ट जो पार्टी है इंडिया के, मार्क्सिस्ट स्टेट सेक्रेटरी कोडियारी बालकृष्णन संडे को क्वेश्चन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल नीड फॉर द गवर्नर ऑफिस, क्या जरूरत है संवैधानिक रूप से गवर्नर के ऑफिस की, राजभवन की क्या कोई जरूरी है? यहाँ पे डिमांड की गई पोस्ट के अबॉलिशमेंट की, भाई ये पोस्ट ही खत्म कर दो। इसके साथ जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, गवर्न द सीपीआई लेड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एडमिनिस्ट्रेशन द सेंटर दिखता है, तो मतलब यहाँ पे जो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बात की गई। दे स्टेटेड दैट इफ गवर्नर वर ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंपेरेटिव, उन्होंने ये कहा कि अगर जो गवर्नर है वो एक संवैधानिक पद है, नेशनल लेवल का लेजिस्लेशन है, मतलब कानून यूनियन लेवल पर है, शुड एम्पावर स्टेट टू इलेक्ट देम वाया द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल कॉलेज। अगर गवर्नर का पद होना जरूरी है, संवैधानिक है, तो कानून के मुताबिक इसका अधिकार इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राज्यों को मिलना चाहिए। ठीक है, मिस्टर बालकृष्णन ने कहा की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ गवर्नर हाई प्रोफाइल, इनका जो राजभवन है अगर उसको हम लोग खत्म कर दें, वैनिश कर दें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राजभवन के साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट की बात हो यूनिवर्सिटी की, चाहे वो पर्सनल स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स की बात हो। ठीक है, इसके साथ जस्टिस मदन मोहन मालवीय, नहीं हो क्या, मदन मोहन पंछी कमीशन बनाया गया था, उनका व्यू क्या था, ही अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को किस तरीके से हम लोग रीसेट करें। ये लोग गवर्नर के मुद्दे पर छोड़ ही नहीं रहे, हमें कुछ भी बात हो गवर्नर के मुद्दे पे पकड़ लेते हैं। तो एक जस्टिस मदन मोहन पंछी कमीशन जो है वो बनाया गया था। अब मेरी बात सुनो, पहले यहाँ पे क्वेश्चन एक पीसीएस लेवल का एक ये बन सकता है कि भाई कौन सा कमीशन बनाया गया, तो ऑप्शंस मिल जाएंगे, ताकि सेंटर और स्टेट जो रिलेशंस हैं उनको रीसेट किया जा सके, उनके रिलेशनशिप को ठीक ठाक किया जा सके, तो पता होना चाहिए। मदन मोहन पंजी कमीशन बनाया गया था। केरला ने डिमांड किया था कि केंद्र जो है वो हमें अधिकार दे दे कि हम गवर्नर को यहाँ से भगा दें, और जो अपहोल्ड करे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, डिस्चार्ज करे चांसलर ड्यूटीज को, और जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मेजर्स हैं उसको भी हम लोग ले लें। ठीक है, गवर्नर गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया सेंटर डाइवर्स द गवर्नर ऑफ स्टेट्यूटरी पोस्ट इंक्लूडिंग द चांसलर, सेंटर शुड कीप द स्टेट इन द लूप वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर। यहाँ पे स्टेट ये भी डिमांड करता है, ये भी डिमांड करता है कि भाई जो गवर्नर को जब आप अपॉइंट करते हो ना केंद्र वालों, तो भाई एक बार स्टेट का भी कंसर्न ले लिया करो, स्टेट से भी पूछ लिया करो, इनको एम्पावर करना चाहिए लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट को, ताकि वो गवर्नर को इम्पीच कर सके, कोई भी एलिगेशन लगाए और गवर्नर साहब का पद खाली, इफ द लॉ मेकर्स फाइंड देम वॉन्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली, सेंटर शुड लिमिट द डिस्क्रेशनरी, और केंद्र को गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर्स जो लेजिस्लेटिव मुद्दों पर है उनको भी लिमिट करना चाहिए। अभी वेस्ट बंगाल के अंदर क्या हुआ, जो गवर्नर साहब हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने मना कर दिया, ही डिनाई टू कॉल द ये मीटिंग, समन करने से उन्होंने मना कर दिया। तो जो लेजिस्लेटिव मुद्दे हैं ना, लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं,
उन पे उनकी डिस्क्रिशनरी पावर को लिमिट करने के लिए डिमांड की गई है, लिमिट कि भाई लिमिट करो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द लेजिस्लेटिव मैटर्स। इसके साथ अब हम यहाँ पे गवर्नर के बारे में, हाँ एग्जीक्यूटिव है, देखो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है या इनकी जो पावर्स होती हैं वो संवैधानिक होती हैं। ये आर्टिकल 153 से लेके 162 तक जुड़ी हुई है। यहाँ पे गवर्नर का रोल बिल्कुल सिमिलर होता है जो प्रेसिडेंट साहब का केंद्र के अंदर होता है, बट गवर्नर थोड़ी छोटी पोस्ट के हैं तो उनके पास कुछ कुछ अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं आपके स्टेट के और वैसे ही काम करते हैं जैसे प्रेसिडेंट काम करते हैं, और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के विल पर भी काम करते हैं। संविधान के तहत गवर्निंग जो मशीनरी है इज सेम, बिल्कुल सेम है, जो केंद्र और राज्य में रहेगी सेम होता है। गवर्नर का ड्यूअल रोल होता है, गवर्नर यहाँ पे है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। इनके मामले सुलझाना भी गवर्नर का काम होता है और इनकी बातें मानना, यूनियन की बातें मानना गवर्नर को ये भी काम होता है, और गवर्नर को स्टेट के बारे में यूनियन को बताना ये भी उनका ड्यूअल रोल रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम, इनकी एडवाइस से वो बाउंड होते हैं, बट नॉट ऑल मैटर्स, कुछ मुद्दों पर ये बाउंड होते हैं। एक लिंक होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, एक लिंक भी इस्टेब्लिश होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहा है, अगर सेम सरकार के हैं तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अगर अपोजिशन के हैं तो ही होता है। अब यहाँ पे देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, गवर्नर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935, उसके अंदर गवर्नर के बारे में लिखा गया है कि बाय द राज, ऑफ द राज एंड फॉर द राज, कि भाई जो राज्य है ना हम लोग तीन हिसाब से देंगे, बाय द राज, ऑफ द राज, फॉर द राज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहती थी कि हम लोग इलेक्टेड गवर्नर लेकर आए, जैसे कि केरला की सरकार अब चाहती है। एज प्रपोज बाय बीजी खेर, के एन खाजू काटजू सॉरी एनपीबी सुब्रमण्यम, इन सब ने भी रिकमेंड किया था, लेकिन क्लैश हमेशा होता गवर्नर और सीएम की पावर्स में, तो गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने का जो ये मुद्दा है वो छोड़ दिया गया, और अब जो है उनको एज अ नॉमिनी रखा जाता है, उनके लिए कोई इलेक्शंस नहीं होते। 1948 में जब ड्राफ्ट आया वॉज एम्बीवेलेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर ये छोड़ दिया गया कि वेदर गवर्नर शुड बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, भाई अब तुम फाइनल बता दो कि गवर्नमेंट इलेक्ट होना चाहिए कि नॉमिनेट होना चाहिए, पक्का आएगा भाई, नो चांस। देर आर द हायर चांसेस कि यहां से क्वेश्चंस बनेगा। इसके साथ आप देखिए गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर होती है, इनवाइट द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, ये उनकी डिस्क्रिशनरी होती है, बट क्या असल में ये डिस्क्रिशनरी है बताओ एक बार। इनवाइट करना, गुड मॉर्निंग संतोष, इनवाइट करना लार्जेस्ट लीडर, मतलब लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी, क्या उनकी डिस्क्रिशनरी है? नहीं। स्टेट के अंदर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में जो जीता उसका लीडर, जो भी उन्होंने खुद से चुन रखा होगा उसको इनवाइट करना, सारे काम कर रखे हैं सरकार ने, बस कह दिया गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है ये। ठीक है, 1971 में गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को टूटने ना दे एंड एक रेगुलर रिपोर्ट जो है वो पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन राज्य में चल रही है वो यूनियन को बकायदा समय समय पर भेजते रहे, ये ड्यूटी भी गवर्नर की होती है। आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर स्टेट अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक करती है तो स्टेट गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो केंद्र को इस बारे में बताए और वहां पे प्रेजिडेंट रूल अप्लाई करे। ठीक है, तो ये चीजें प्लीज थोड़ा सा डिटेल आप लोग और पढ़ लेना, दैट विल हेल्प यू अलॉट। यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन आई है अलग अलग ऑर्गेनाइज, अलग अलग उसकी एस आर बोमाई जजमेंट है एक, इन्होंने सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन बताई थी कि भी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए और होता है तो कैसे आपको करना रहेगा, गवर्नर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ओके जी,
आर्टिकल 163 इनकी डिस्क्रेशनरी के बारे में बात करता है, बट एग्जैक्टली क्या है डिस्क्रेशनरी ये डिसाइड वो खुद ही करते हैं, कोई और बाहर का आके इनको नहीं बताता। इनकी पोजीशन के बारे में बात करें तो ये पार्ट 7-6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डील करते हैं। 153 ये कहता है कि एक स्टेट के अंदर एक गवर्नर होना चाहिए, एक से ज्यादा भी, दो स्टेट में एक गवर्नर भी हो सकता है, ठीक है। गवर्नर एक ड्यूअल कैपेसिटी से काम करते हैं, फेडरल का एक बहुत ब्रिज के जैसे काम करते हैं ये। आर्टिकल 157-158 इनके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है। गवर्नर सिटीजन होना चाहिए, 35 साल का कम से कम होना चाहिए। नॉट अ मेंबर, किसी भी हाउस का हिस्सा वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, ये सवाल जवाब ये बताओ। ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। व्हाई 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 व्हाई? और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, ये जो शब्द है या इसकी डेफिनेशन है, नॉट मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। प्लीज आप इसको कर लेना। इनका नॉर्मली 5 साल होता है, बट पहले भी इनको हटाया जा सकता है, प्रेसिडेंट एडवाइस पर हटाएगा सीएम की, सीएम प्लस सीओएम। और वैलिड रीजन होना चाहिए, ड्यूटी है प्रेसिडेंट की कि वो किसी भी समय पर गवर्नर को डिसमिस कर सकते हैं या फिर गवर्नर रिजाइन भी कर सकते हैं। चलो नहीं फिर कभी देखेंगे। एक नंदी हिल्स है, आप लोगों को मैंने ज्योग्राफी में नंदी हिल्स के बारे में कराया हुआ है। उस नंदी हिल्स में एक 19 साल का लड़का फंस गया था और उसको काफी इंजरी भी हुई है। करीबन 300 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये जो लड़का है वो वहां पे फंस गया था, तो जिसकी जिसने IAF ने इसको चॉपर की मदद से वहां से रिमूव किया, वहां से हटाया। नंदी हिल्स के बारे में जाना, एक एंशियंट हिल है जो गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनाई गई थी। एंड चोलास आर एस्टैब्लिश योगा नंदीश्वर टेम्पल इन नंदी ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के दौरान यहाँ पे एस्टैब्लिश एक मंदिर भी यहाँ पे किया गया था। हाँ जी, डेडिकेट किया गया है ये नंदी, शिव का एक वो है ना, क्या बोलते हैं, सारथी बोलते हैं, वो नंदी है। और रिफ्लेक्ट करते द्राविड और चोला आर्किटेक्चर दोनों का यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। राजा राजेंद्र चोला और ये जो इनके नाम है वो वॉल्स उधर वॉल्स पे लिखे भी गए हैं। फर्स्ट एवर सार की समिट जो की गई थी वो नंदी हिल्स में ही हुई थी, तो दैट्स जब इंडिया ने होस्ट की थी तब। सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो ये फॉलो ऑल द क्राइटेरिया, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो टूरिज्म के लिए अच्छा है। और ये बच्चा भी टूरिज्म के लिए ही वहां पे गया था, बट वहां पे काफी ऊंचाई पे फंस गया। अब अपने लिए देखो एक चीज है, हाँ देखो ये रहा नंदी हिल्स, हेयर इट इज, ये रही कर्नाटक वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे नंदी हिल्स है, ये रही है ना। इसके इधर मैपिंग करेंगे तो देखो ऊपर से नॉर्दर्न सिरकार, नलमला हिल्स, वैनिकोंडा हिल्स, पालकोंडा हिल्स, नगारी, जावड़ी, शेवरॉय, इसमें तो है ही नहीं, पंचमलाई, सिरुमनी, पलानी और वरुषनादी हिल्स हैं। और इनके बीच में यहाँ वाले सेक्शन में यहाँ पे आपको यू विल फाउंड द नंदी हिल्स, ठीक है, नंदी हिल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। चलिए तो हिल्स की ये सीक्वेंस भी आप लोग याद कर लेना। ईसीआई रिस्टोर मैक्सिमम लिमिट ऑन द स्टार कैंपेनर्स, ECI ने लिमिट लगा दी स्टार कैंपेनर पे, बट वी हैव टू नो व्हाट इज द स्टार कैंपेनर, कौन होते हैं स्टार कैंपेनर, कौन होते हैं स्टार कैंपेनर? एक ऐसा कैंडिडेट जो पॉलिटिकल पार्टी अपना चूज करती है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कॉन्टेस्ट करता है वो बंदा। ही इज चूजन यूजली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी, जैसे अभी पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए थे, आई थिंक लास्ट टाइम की बात है, तो जो सनी देओल है ही वॉज इलेक्टेड, मतलब ही वॉज अ स्टार कैंपेनर, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ रहे हो तो आपके एरिया में जैसे मोदी है वो एक पॉपुलैरिटी बेस्ड है काफी ज्यादा, तो वो एक स्टार कैंपेनर के रूप में चुने जाएंगे, ठीक है।
और भी कोई एक्टर्स हो गए या कोई पॉपुलैरिटी के बेस पे होता है, कोई डेफिनेशन इसकी नहीं है, बस आप लोग पॉपुलैरिटी के बेस पे उन्हें स्टार कैंपेनर बोल देते हो। पीपल जो पार्टीज नॉमिनेट करती है और उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाती है, भाई इसके लिए तुम लोग लड़ बड़ सकते हो, ठीक है। पॉपुलर फेस होता है विद इन द पार्टी एंड यहाँ पे एक रिकग्नाइज होता है कि भाई मिनिमम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, वाइल अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 20 कैंपेनर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो उनके बिहाफ पे भाई चलो सनी देओल को मिलके आएंगे, है ना, और सनी देओल को चुन देंगे कि भाई चलो इनको तो फिर हम लोग बाद बाद में देखेंगे, बट वो प्रजाति 5 साल के लिए कहीं नहीं दिखती, वो एक चीज है। पीएमसीएम, हाँ। तो अब यहाँ पे ईसीआई ने संडे को रिस्टोर कर दिया मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ स्टार कैंपेनर, अ पार्टी कैन फील्ड इन ऑनगोइंग असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट साइटिंग द फॉल इन कोविड केसेस। कमीशन अक्टूबर में रिड्यूस द नंबरिंग ऑफ स्टार कैंपेनर फ्रॉम 40 to 30। यहाँ पे ना पिछले अक्टूबर के दौरान स्टार कैंपेनर नॉर्मली लिमिट 40 थी, लेकिन कोविड वगैरह की वजह से 40 से 30 उसको कर दी गई थी, एंड अनरिकग्नाइज पार्टी के लिए 20 से 15 कर दी गई थी, ठीक है। इन अ लेटर टू रिकग्नाइज नेशनल और स्टेट पार्टीज, इसको अब रिस्टोर किया है मैक्सिमम लिमिट के लिए, रिस्टोर मतलब वापस से 40 और 20 हो गई है। कमीशन ने कहा कि 7 डेज के अंदर आपको अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट बतानी होगी, 5 जगह जहां इलेक्शन हो रहे हैं उन सब के लिए आपको अपनी लिस्ट बतानी पड़ेगी। चलो चलो भाई आगे चलो। ईपीएफओ ने प्लान किया है नया पेंशन स्कीम, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स है जिनकी वेजेस 15 से ऊपर रहती है ना, 15,000 पर मंथ उनके लिए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एक नई पेंशन स्कीम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, हु गेट बेसिक वेजेस 15,000 से ज्यादा उनको इन तनख्वाह मिलती है एंड नॉट मैंडेटरी कवर्ड, और वो किसी भी ईपीएस जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है ना उसके तहत अंदर नहीं आते, तो उनके लिए ईपीएफओ का नया प्लान आया है। प्रेजेंटली ऑल एम्प्लॉयज जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं एंड जो 15,000 से ओवर मतलब इससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं प्लस डीयरनेस अलाउंस लेते हैं, मतलब सब मिला के 15 अप टू 15,000 होता है, तो वो उनके लिए ये नया ईपीएफओ का प्लान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे हायर पेंशन और हायर कंट्रीब्यूशन की डिमांड चल रही थी जिसके चलते ईपीएफओ ने इसी सोचा, इट इज अंडर एक्टिव कंसिडरेशन, अभी प्लान कर रहे हैं कि भाई वो कितना कितना कैसे होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए ये है। इंडस्ट्री की एनुअल मीट मार्च 1 को होगी, 10 मेंबर की इंडियन डेलीगेशन विल विजिट करेगी पाकिस्तान में ताकि ताकि एनुअल मीटिंग हो सके। जो हमारी परमानेंट इंडस कमीशन है ना, परमानेंट इंडस कमीशन है ये 1 मार्च से लेके 3 मार्च तक इस पे मीटिंग होगी। हमारे इंडियंस जो बंदे हैं वो कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, थ्री वुमेन वगैरह इसके अंदर रहेंगी। इंडस वाटर ट्रीटी आपको याद हो, इसके अंदर इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज सारी ट्रीटी आती है, इंडिया पाकिस्तान इसको शेयर करती है। ट्रीटी के अंदर 1960 में साइन हुआ था और कुछ रिवर हमें दे दी गई थी सो दैट फॉर एक्सक्लूसिव यूज के लिए, बाकी आप इन्हें पढ़ लेना, और हम इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारे पास फुल अधिकार इस सब से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट न्यूज अपने सामने लेप्रोसी के बारे में आती है। लेप्रोसी एक डिजीज है आप सबको पता है, लेकिन कोविड की वजह से लेप्रोसी के जो डाटा है, जो सर्वे है, वो कम हो पाया है, इतना अच्छे से नहीं हो पाया, तो लेप्रोसी डिटेक्शन फेल ड्यूरिंग द पैंडेमिक रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी डिटेक्शन जो है पैंडेमिक के दौरान आपको कम देखने को मिल रही है। एक्टिव केस ट्रैकिंग एक्टिविटी सस्पेंडेड इन द मोस्ट, कई सारे राज्यों के अंदर एक्टिव केसेस नहीं आते हैं। गाइस इतना सारी हो गई है, जस्ट हिट द लाइक बटन नाउ, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे, पहले लाइक करो। कोई डाउट है तो पूछो आप। बताइए बताइए भाई बताइए।
ये चीज है, न्यूज को भी साइड में रखो, इधर लेप्रोसी के बारे में बात करो। लेप्रोसी को आप लोग हैंसन डिजीज भी बोलते हो, एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, वायरस या पैरासाइट इन्फेक्शन नहीं है, प्लीज रिमेम्बर। ये बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम लेप्री, इसके सहायता से ये फैलती है। एक एसिड फास्ट रोड शेप बैक्यूलस है, इट इज अ डिजीज दैट लीव्स ऑन ए टेरिफाइंग इमेज इन इट्स वेक ऑफ म्यूटिलेशन। जिस जगह पर ये हो जाती है उसकी बहुत ही टेरिफाइंग इमेज ये क्रिएट कर देती है, एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द सोसाइटी, और उस बंदे को एक तरीके से सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देती है। हैंसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, दैट्स वाई हैंसन डिजीज आप इसे बोलते हैं। लेप्रोसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज है हिस्ट्री के अंदर, एफ्लिक्ट करती है ह्यूमैनिटी को, अ रिटर्न अकाउंट है ये सब, रिकग्नाइज की गई थी जो हमारी चाइना इंडिया और इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है तब की सभ्यता है, तब से ये चीज सामने आ रही है। इन्फेक्शन स्किन पे, पेरिफेरल नर्व पे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, लाइनिंग ऑफ द नोज पे, ये कहीं पर भी इसका इन्फेक्शन आपको मिल जाएगा। ट्रांसमिशन ब्रीदिंग एयरबोर्न ड्रॉपलेट से होगा, जिस एरिया में लेप्रोसी का इन्फेक्टेड बंदा है उसमें आप जाओगे तो ये चीज हो सकती है, एंड इट कैन कॉन्टेक्टेड एट एनी एज, ये किसी भी एज में हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं बूढ़े हो गए तभी होगी। अब एक चीज ये रखो, इसके लिए एक यूज किया गया था, जो कोविड है मान लो किसी को, और उसको एक कमरे में बंद किया गया है, ठीक है, तो एयर बबल्स वगैरह कुछ था, प्लान अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो क्या था कि जिस भी रूम में वो है, अगर आप उस रूम में जाते हैं तो वाया द ब्रीदिंग आप उसके साथ उसके जो इन्फेक्टेड जो भी वो होते हैं ना, बबल्स वगैरह जो भी रहते हैं, आप उसको इनहेल करते हो और आप भी कॉन्टेक्टेड हो जाते हो। सेम लेप्रोसी का केस है, इसीलिए यूज किया जाता है कि समय समय पर उस व्यक्ति के रूम में, इन्फेक्टेड व्यक्ति के रूम के जो विंडोज डोर्स है वो ओपन कर देने चाहिए टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की तरफ, रूम में नहीं एनवायरमेंट की तरफ, जिससे कि उसके जो चेंजिंग ऑफ एयर का वहां पे हो सके। लेप्रोसी को रोकने के लिए WHO की गाइडलाइंस भी आई थी 2016 के अंदर। एक तो जब से ज्यादा ज्यादा डिटेक्ट करो केसेस को, भाई कहाँ कहाँ पे हैं, लोगों का अवेयरनेस करो इसके बारे में, बच्चों पे इसका स्पेशल फोकस होना चाहिए, रिड्यूस करो ट्रांसमिशन कि भाई इन्फेक्टेड बंदों के आसपास कोई ना जाए। टारगेटिंग डिटेक्शन अमंग हायर रिस्क ग्रुप थ्रू कैंपेन इन हाईली एंडेमिक एरिया और कम्युनिटी, जिस जगह पे ज्यादा ये फैल रहा है उस जगह पे बहुत से कैंपेन्स वगैरह भी आप लोग चलाएं तो भी हेल्प मिलेगी। हेल्थ केयर कवरेज अच्छी करें मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के लिए, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन लेकर आओ, और क्लोज कॉन्टेक्ट ये सब चीजें, ठीक है, ट्रीटमेंट भी आप इनके जल्दी से लेकर आओ। हाँ वेंटिलेशन, हाँ वेंटिलेशन था। एक ही आपका डाउन टू अर्थ का एक एडिटोरियल, एक आर्टिकल है, मिसिंग द वुड्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज वैनिशिंग फॉरेस्ट इन 20 गार्ड्स। फॉरेस्ट सर्वे को ना आप दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, एक वो हिस्सा जो रिकॉर्डेड है, एक वो हिस्सा जो अनरिकॉर्डेड है, या फिर जो रियलिटी है आप ऐसा कहोगे। आपको दिखाए गए कि जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो अभी हमारा कवर कितना है, 21% है, बट एग्जैक्टली बहुत कम है, मतलब इतना डिफरेंस लगा लो 15% है। मतलब कहने का मतलब कि जो रियलिटी है दैट इज समथिंग एल्स, एंड द जो शो ऑफ हो रहा है डाटा में दैट इज समथिंग एल्स। इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो एक बड़े लेवल पे वैनिश हो रहे हैं। सम 25.87 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट इज मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट असेसमेंट। इंडिया का जो ग्रीन कवर है उसमें से वैनिश हो रहे हैं, तो कुछ न्यूज हमें यहाँ पे बताती है। ISFR 21 की जो रिपोर्ट है ना, ISFR की रिपोर्ट जो फिलहाल आई थी, उन्होंने बताया था कि भाई मिसिंग हो रहे हैं फॉरेस्ट, एक वर्ड है मिसिंग, हर साल 26 मिलियन फॉरेस्ट मिस कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत टेंशन वाली बात होती है। एक एडिटर है सुनीता नारायण, उन्होंने एनालिसिस किया और बताया कि जो आप रिकॉर्ड करते हो और जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, उसमें एक वाइड गैप होता जा रहा है। फॉरेस्ट कवर कुछ 51% है और शो कुछ कम किया जा रहा है, तो ये जो ISFR की रिपोर्ट है ये चीज नहीं बता सकती, और यूपी में खासकर बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कम हो रहा है।
इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करो वेरी डेंस और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट को, कैनोपी वाले उस जगह पे इंडिया लैंड एरिया पे कंस्ट्रक्शन वगैरह ना करें, दिस रिमेनिंग हाई क्वालिटी फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करनी चाहिए ऑल कॉस्ट पे, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी डायवर्सिटी कन्वर्सेशन फोकस ऑन लैंड पे करना चाहिए आपको, एंड लाइसेंसिंग राज ऑन ट्रीज, पेड़ को आओ और काटो निकलो, ये चीज नहीं होनी चाहिए, पेड़ को काटने के लिए बकायदा यू नीड अ लाइसेंस, आपको लाइसेंस कर दो मतलब ऐसा, ठीक है, तो भी हम लोग बच सकेंगे। हालांकि आजकल क्या हो रहा है कि लोग अपने आंगनों में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बट ये रेशियो बहुत कम है। फोकस, ठीक है, इसके साथ अनडिस्कवर्ड ट्री स्पीसीज, हम लोग आए दिन देखते हैं कोई एक स्पीसीज आ गई, कोई दो स्पीसीज आ गई, लेकिन सर्वे का ये कहना है करीबन अभी 9,000 ऐसी स्पीसीज हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं और वो खतरे में हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते हैं, तो ये प्लीज आप पढ़ लेना। मैक्सिमम फिलहाल महाराष्ट्र एमपी में बोला जा रहा है कि भाई वहां पे सबसे ज्यादा है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन इज मैसियर 77 अभी कुछ आया था न्यूज में, व्हाट इज इट, क्या है क्या ये, प्लीज बताओ कोई न्यू एग्जॉटिक प्लैनेट है आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम इन द कंस्टिलेशन कैसियोपिया में, या रेड ड्वार्फ स्टार है विच इज अबाउट 110 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ, या बैड स्पाइरल गैलेक्सी है, या सोलर अरे है डिजाइन बाय नासा, प्लीज बताओ भाई व्हाट इज द आंसर, कौन सा विशाल, CBD, सारे ही अलग अलग हो, मैसियर 77 क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, पेपर के टाइम पढ़ के जाना लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अभी फायदा नहीं है इसका कि भाई मैक्सिमम कवर कहाँ है, लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना। बताइए, चलिए सी होगा, इस आंसर इज सी, बिल्कुल सही बात है, दैट इज अ बैड स्पाइरल गैलेक्सी, मैसियर 77 एक बैड स्पाइरल गैलेक्सी है जो कि 47 मिलियन लाइट ईयर अवे है, दूर है फ्रॉम द अर्थ इन कॉन्स्टिलेशन सेटर्स के, इसको NGC 1068 भी आप लोग कहते हो, एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वेल स्टडीड गैलेक्सियों में से एक है मैसियर 77, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन एस्टैब्लिश अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ बनाती है, एंड योर ऑप्शंस आर सिनिडेरियंस, फंगी, प्रोटोजोआ, प्लीज बताएं, वेरी गुड संतोष, वेरी गुड, एनीवन, सिम्बायोटिक रिलेशन विद अनदर ऑर्गेनिज्म, सिनिडेरियंस, फंगी, प्रोटोजोआ, व्हाट योर आंसर विल बी, बी ओ डी, ओके, ए, 1 एंड 2, साइंस का क्वेश्चन है, तो साइंस के केस में करंट अफेयर पे फोकस करो, पक बढ़िया वाला, सुपर वाला, संडे को जो पेपर आता है उसमें अलग से कॉलम रहता है साइंस का, आप उन्हें थोड़ा पढ़ें, इसके अलावा एमसीक्यू जितने ज्यादा हो सके सॉल्व करें, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़े और समझे, अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन में से भी आ सकता है, इट्स बी ए, निशिता आपको चीजें क्लियर हैं पुरानी, आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर, चलो जो डी है वो सही है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तीनों बनाते हैं,
इज एन इंटीमेट इंट्रैक्शन होता है, दो या उससे ज्यादा स्पीसीज का इंट्रैक्शन जो हो सकता है बेनिफिशियल हो या ना भी हो। इसके अलावा सिम्बायोटिक एसोसिएशन इनवर्टिब्रेट फाइलम सिनेटेरिया एंड यूनिसेलुलर डायनोफ्लैगेलिटी एल्गी के द्वारा बनाया जाता है, जिसको जूजेंटली भी बोलते हो, ये वेरी कॉमन है। सिनेटेरिया और फंगी के बीच में जो वो है ना रिलेशन है वो कॉमन है, तो फर्स्ट वाला तो ठीक हो जाएगा, इनकी ये ऑप्शन सही है। फंगी हैव सेवरल म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद अनदर ऑर्गेनिज्म, फंगी के रिलेशन होते हैं। टू कॉमन म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग फंगी आर माइकोर जीए एंड लाइकन, मतलब दो नॉर्मल जो रिलेशन है ना इसके वो माइकोरी जे और लाइकन के साथ रहता है, तो प्रोटोजोआ भी उसी हिस्से में आता है, तो सेकेंड एंड थर्ड इज ऑल्सो ट्रू। सिम्बायोसिस इन प्रोटोजोआ मोस्टली रिप्रेजेंट अ क्लोज म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर सिम्बायोट, यूनिसेलुलर मतलब फंगी या एल्गी है ना, प्रोटोजोआ का रिलेशन फंगी और एल्गी से रहता है, तो टू इन थ्री इज ऑल्सो ट्रू, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एंड प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी रहता है, रोमिनेंट्स लोअर टर्माइट्स वुड ईटिंग कॉकरोच प्लांट इनके साथ रहेगा, तो सिनेडारियंस के साथ भी रहेगा, मतलब तीनों का एक दूसरे के साथ है, वन का टू, टू का थ्री, वन का थ्री, ऐसे करके, तो वन टू थ्री इज टू आंसर। चलिए हाँ जी शिवाने है उसका भी है उस चीज का भी। ये थी आज का न्यूज एनालिसिस गाइस, आज हमने एडिटोरियल नहीं कवर किया, आज मैं लेट हो गई थी रियली, कल कर लेंगे एडिटोरियल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। नाउ डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल दैट इज द स्टडी आईएएस, हिट द बेल आइकन।